नमस्कार दोस्तों, कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सिंगल बेजल लेंसेज में एक्सिस कैसे लगाना है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन लगातार मुझे कमेंट मिल रहे हैं कि सर बाइफोकल लेंस में कैसे एक्सिस लगाते हैं। अब हालांकि मैं इस बारे में पहले भी समझा चुका हूँ कि एक्सिस जो है चाहे ऊपर हो या नीचे हो एक समान रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस पर कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए आज हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ताकि डायग्राम देख कर आप समझ सकें कि एक्सिस जो है सेम कैसे होता है। ठीक है, ये मान लीजिए कि आपके ग्लासेस हैं, ठीक, ये हमारा सिंगल विजन है। सिंगल विजन यानी कि इस पूरे में एक ही पावर है। ठीक है, अब एक्सिस चाहे इसमें जो भी हो, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इसमें 90 का एक्सिस लगा हुआ है। ठीक, ये जो एक्सिस है वो 90 का इसमें बना हुआ है सिंगल विजन लेंस में, इसको हम लिख देते हैं ये सिंगल विजन। ठीक है, बाइफोकल क्या होता है? बाइफोकल में आप देखेंगे कि दूर और पास के लिए अलग अलग पावर रहते हैं। ये आपका दूर हो जाता है डिस्टेंस का और ये हो जाता है नियर का, दोनों साइड वैसे ही रहता है। ठीक, अब मान लीजिए कि इस दोनों चश्मे में 90 के एक्सिस लगे हुए हैं, तो 90 इसमें भी लगेंगे और 90 इसमें भी लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर का 90 लगा दिया और नीचे का आपका 180 लग गया, ऐसा नहीं होता है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है, गहराई से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आपका जो पावर है प्लस 1 है, प्लस 0.5 सिलैंडरिकल है और एक्सिस जो है 180 है। चलो यहाँ पे मैं 90 आपको बता रहा हूँ, तो 90 लिखते हैं। ठीक है, ये आपका 90 एक्सिस हो गया। डॉक्टर जनरली क्या कर देते हैं, यहाँ पे आपको एडिशन लिखते हैं, पूरा पावर ना लिखकर सीधा सीधा एडिशन लिख देंगे, एडिशन प्लस 2 बस, और कुछ नहीं लिखा जाता। तो इसी में कंफ्यूजन होता है कि ये एडिशन जो है, अब इसमें एक्सिस कहाँ है? एक्सिस में तो सिलेंड्रिकल ही नहीं है, तो एक्सिस कैसे लिखे और कौन सा एक्सिस लगाए? तो ये है, बात तो है, अगर आप नए हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होता ही है कि यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, ना सिलेंडर लिखा है ना फिर एक्सिस लिखा है, तो लगाए क्या? बात सही है, लेकिन दोस्तों इस एडिशन को पहले आपको तोड़ना पड़ता है, इसको हटाना पड़ता है। हटाते कैसे हैं, पिछले वीडियो में भी मैं इस बारे में बता चुका हूँ, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अच्छे से समझना चाहते हैं तो ट्रांसपोजिशन वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए, इसको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको तोड़ना होगा। तोड़ेंगे कैसे, ऊपर का जो पावर है वो सेम टू सेम रहेगा, ये हमारा सिलेंड्रिकल हो गया 0.5, एक्सिस जो है यहाँ पे 90 दिखा रहा है। ठीक, अब हमारा जो है नीचे का पावर केवल एडिशन टू लिखा है, एडिशन का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ दीजिए क्या करना है। ठीक, तो प्लस 2 और प्लस 1 को जोड़ने से क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ठीक, सिलेंड्रिकल सेम टू सेम रहेगा, जैसा है वैसा ही आपको लिखना है, ये देखिए 90 का एक्सिस आ गया ना, 90 का एक्सिस नियर में भी। तो आप समझ गए होंगे कि अगर दूर में 90 एक्सिस दिखा रहा है तो पास में भी 90 एक्सिस ही होते हैं, वो और कुछ नहीं होता है। ठीक है, हालांकि फ्रेंड कुछ केसेस में एक्सिस बदल दिए जाते हैं, यानी कि जिसको हम क्रॉस कंपाउंड बोलते हैं, ऐसी स्थिति में एक्सिस चेंज हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी हम आपको यहीं पर बता देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं आपको। मान लीजिए चलिए इसको हम टोटली हटा देते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही लिखा रहेगा, यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपका जहां पे प्लस था वहां पे माइनस लिखा रहेगा। ठीक है, ये लीजिए माइनस हो गया। कई बार ऐसे पावर आपको देखने को मिलेंगे जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, इधर प्लस है इधर माइनस है, एक्सिस भी लिखा हुआ है, नीचे एडिशन लिख दिया है प्लस 2 बस, अब इसमें क्या लगेगा? तो सबसे पहले तो इसका ये सवाल को हल करने के लिए आपको दूर को भी हल करना होता है और पास को भी हल करना होता है। सबसे पहले देखिए दूर को कैसे हल करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसको आप प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो ये तो माइनस मतलब कि घट जाएगा, यानी कि प्लस 1 में माइनस 0.5 घट जाएगा, तो क्या हो बचेगा अपने पास, 0.5 ही बचेगा। ठीक है, सीधा सीधा है, माइनस एक में आधा घटा दो तो आधा ही बचेगा। ठीक, ये हमारी स्फेरिकल निकल के, अभी मैंने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया है, ना ही प्लस का दिया है ना ही माइनस का दिया है, उसको भी मैं समझाता हूँ, रुको जरा। ठीक है, सिलेंड्रिकल चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर भी आपको 0.5 ही लिख देना है। एक्सिस को भी हम ब्रेक करके रखे हैं, अभी नहीं लिखेंगे, हम आपको बताएंगे उसके बाद लिखेंगे। ठीक, अब क्या देखना है आपको, ये आपने सॉल्व कर लिया। ठीक, जो बड़ी संख्या होती है, यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, प्लस में है, माइनस छोटी संख्या है, बड़ी संख्या है इसमें प्लस आ जाएगा, इधर भी प्लस चला जाएगा। अब ये पावर आपका रेडी है, अब ये जो 90 का एक्सिस है, जब भी 90 हो तो इसमें 98 कर देते हैं हमेशा, मैं कई बार कई वीडियो में आपको बताया हूं, 90 हो तो 98 कर दो, तो क्या जाता है, 180 बन जाता है। तो ये आपका डिस्टेंस का पावर आपका निकल गया। ठीक है, ये डिस्टेंस का निकल गया। यहां पर एक चीज और ध्यान देंगे, अगर ये 90 से ज्यादा है, मान लीजिए कि 110 है, तब क्या करेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप 90 जोड़ देते हो भैया, तो ये तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 का तो कोई एक्सिस आता ही नहीं है, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसमें क्या करना है आपको, माइनस करना है, इसमें जोड़ना नहीं है। जब 190 से ज्यादा हो एक्सिस तो फिर घटाना है, इसको आप घटा देंगे क्या बचेगा, 20 के एक्सिस बन जाता है यहाँ पे। ठीक, क्लियर हो गया। तो चलिए यहाँ पे आते हैं वीडियो पे, ये आपका डिस्टेंस का हो गया। अब हमारा आता है, डॉक्टर ने बताया है कि एडिशन 2 है,
ठीक, तो ये ऊपर क्लियर हो गया। नीचे का सिंपल है एकदम, एडिशन 2 हमको बता दिया पहले से, 2 2, और ये 2.5, तो ये बनेगा 2.5, और इसका सिलिंड्रिकल भी यही रहेगा और एक्सिस भी ये देखिए, ये आपका नियर का भी क्लियर हो गया है ना। एक्सिस हमको मिल गया, दूर का भी मिल गया और पास का भी मिल गया। कहने का मतलब ये है, इतना लंबा चौड़ा मैं भाषण इसलिए दे रहा था कि जब भी डिस्टेंस में जो भी एक्सिस हो, जो भी एक्सिस जो है डॉक्टर आपको लिख के देते हैं, वही एक्सिस जो है पास के लिए भी रहता है। इसमें आपको हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज के लिए ओम टॉक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।